हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में एक बार फिर रफ्तार का कहर एक परिवार पर टूटा। देर शाम बाइक से मामा के घर जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी सहित चालक को गिरफ्तार कर लिया। युवक के मौत के बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक युवक के दो मासूम बच्चे हैं, जिनमें एक की उम्र 1.5 साल है, वहीं दूसरा बच्चा महज 2 महीने का है। हादसे में युवक की मौत की खबर के बाद मृतक युवक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पुरवा कोतवाली क्षेत्र के भगिया खेड़ा का रहने वाला 28 साल का जगदीश देर शाम अपने घर से मामा के गांव धन्नीपुर जा रहा था। अभी जगदीश बाइक से खड़गी खेड़ा गांव के पास ही पहुंचा था, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने करण पाइप फैक्ट्री के पास जगदीश को टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो की रफ्तार तेज होने की वजह से जगदीश की बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं जगदीश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हादसे की सूचना परिजनों को दी। जगदीश नहीं पड़ती एक नहर बगुलिया बाबा, वहाँ पे स्कॉर्पियो हुआ है। तो कहाँ कहाँ से आ रहे, तो कहाँ जा रहे थे? ये बगिया खेरत धन्नीपुर जा रहे थे। धन्नीपुर जा रहे थे, हाँ। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी स्कॉर्पियो रहा है। स्कॉर्पियो मालूम है कहाँ की थी? अब यह नहीं मालूम हुआ कहाँ का। जो गाड़ी चला रहा था उसको वो पकड़ में है कि निकल गया है? पकड़ में है, गाड़ी सब पकड़ में है। गाड़ी पकड़ गई है, हाँ। कहाँ पे बंदा है? पुरवा। जैसे ही परिजनों को जगदीश की मौत की खबर मिली, पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। जगदीश की पत्नी खबर सुनते ही बेसुध हो गई, वही माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हर किसी को इस बात की चिंता सता रही थी कि जगदीश के दो मासूम बच्चों का अब क्या होगा, कैसे होगी उन बच्चों की परवरिश, कैसे होगा उनका लालन पालन। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यू न्यूज़, यूपी।